समाधि मट्टी में नहीं होनी चाहिए जब आप बच्चों को शिफ्ट करें। जो बच्चा मैंने निकाला है तो देखते हैं ज्वाली मदी के नीचे रखते हैं इसको। देखो ये बच्चा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बच्चा है। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमान, फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। बजिस के जो चिक्स निकले, आज हम बच्चों को फोस्टरिंग करेंगे और दिखाऊंगा कि किस तरह से फोस्टरिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, हम कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं और कॉलोनी में जो ये मटकियाँ लगी हुई हैं जिसमें ब्रीड हो रही है, तो उसमें हम मटकियों को चेक करेंगे कि किसी फीमेल के अगर चार बच्चे हैं और एक फीमेल का एक बच्चा है, तो वो एक बच्चा जो होगा, हम चार फीमेल के जो बच्चे हैं उसको हम फोस्टर कर देंगे, ठीक है, फोस्टरिंग कर देंगे, उस मादा को दे देंगे उस बच्चे को। और कौन सी उम्र के बच्चों को चिक्स को दिया जाता है फोस्टरिंग जब करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, चलिए हम मटकी चेक करते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी ज़रूरत है फोस्टरिंग करने की। तो सबसे पहले मटकी चेक करते हैं, इसमें तो अंडे हैं, इसमें चेक करते हैं। और चलिए पहले मटकी को चेक करते हैं किसमें बच्चे हैं। तो इसके अंदर जो है चार बच्चे हैं और देखते हैं कुछ दूसरी फीमेल को कि इसके बराबर के बच्चों को फोस्टरिंग करने की ज़रूरत है या नहीं। ये वाला जो चिक है और इसके अंदर दो अंडे पड़े हैं, तो इसको ज़रूरत पड़ेगी फोस्टरिंग करने की। तो देखेंगे, चेक करेंगे, आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे किया जाता है। और ये वाला एक ये बच्चा है इसके अंदर, इसको भी ज़रूरत पड़ सकती है फोस्टरिंग की। तो मादा जो है एक एक बच्चे को पाल रही होती हैं, उनका टाइम ख़राब हो रहा होता है कि अगला क्लच के लिए वो उतना ही टाइम लेती हैं। तो इसके अंदर तीन बच्चे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि फोस्टरिंग जब करते हैं, जब हमने देखा कि ये तीन बच्चे हैं और इसी की उम्र के बराबर के बच्चों को हम फोस्टरिंग करेंगे, तो ये हमने बच्चा देखा है और ये वाला जो इसके अंदर बच्चा है, ये जो है इस फीमेल को हम दूसरी मटकी में जो तीन बच्चे हैं उसको दे देंगे। इसको मैं दोस्तों निकालता हूँ इस बच्चे को, क्योंकि ये उन्हीं की उम्र का बच्चा है। दोस्तों देखो, ये बच्चा माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बच्चा है और देखते हैं इसको दिखाते हैं अंदर, मटकी के अंदर रखते हैं। और देख, ये चीज़ भी मुझे आपको दिखानी है कि ये कोई, मैं जब फोस्टरिंग करूँगा बच्चे को दूसरी मादा को दूँगा, तो वो फीमेल फीड करवाती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं अंदर रखता हूँ। अब इसको मैं बच्चे को अंदर डाल देता हूँ। और तो ये वाली, इसमें से मैंने बच्चा निकाला था, तो इस मटकी को उतारते हैं, इसके अंदर अंडे जो हैं वो ख़राब हैं, तो इस अंडों को निकाल लेते हैं और इस मटकी को बिल्कुल खाली कर देते हैं और ये साफ़ करके खाली कर दें, ताकि ये फ़ीमेल अब दोबारा दूसरी ब्रीड पर जल्दी से आ जाए, क्योंकि एक बच्चे की वजह से वो पूरा टाइम इसके अंदर वो गुजार देती और बच्चों को जब तक वो मटकी से बाहर नहीं आता तब तक वो सेकंड क्लच पर नहीं आती। तो अब एक बच्चा था, एक बच्चे को हमने शिफ्ट कर दिया, दूसरी मादी को दे दिया। अब ये मादा जो है, इसके अंदर दो फीमेल हैं, दो फीमेल बैठती हैं और दोनों अंडे देती हैं और दोनों बच्चों को पालती हैं। तो ये दोनों को मैं फ्री करता हूँ मटकी को, और एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह इसके अंदर दोबारा से अंडे दे देंगी। आठ नंबर वाली मटकी चेक करते हैं, इसके अंदर जो है ज़रूरत है फोस्टरिंग की या नहीं। दोस्तों इसके अंदर एक ही बच्चा है और अंडे हैं, अंडे और मुझे लगता है कि अंडे ख़राब हो चुके हैं, तो अब बच्चे नहीं निकलेंगे, इसके अंदर ही एक बच्चा है। तो दूसरी जो मटकी है उसके अंदर कोई इतना बड़ा बच्चा नहीं है जो इस बच्चे को मैं दूसरी मटकी में शिफ्ट कर सकूं। चलिए अंडों को निकाल लेते हैं पहले। फोस्टरिंग दोस्तों जब की जाती है, जैसे कि बच्चे इस एज का है, तो दूसरी मादी के बच्चे भी उसी एज के हों, तभी फोस्टरिंग की जाती है।
क्योंकि जब भी फीमेल बच्चों को एक्सेप्ट करती है उसी बच्चों को फीड कराती है जब उसी के बराबर के बच्चे होते हैं। तो इसके बराबर के बच्चे अभी किसी दूसरी मादी के पास नहीं है, तो इसको मैं इसी के अंदर रहने देता हूँ और इसको मैं टांग देता हूँ मटकी को। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि बच्चों की एज सेम होनी चाहिए फोस्टरिंग के लिए। और ये वाली जो मटकी है ये बच्चा मैंने निकाला है, तो देखते हैं उस वाली मादी के नीचे रखते हैं इसको, तो ये फीमेल एक्सेप्ट करती है या नहीं, उसको फीड करवाती है या नहीं। तो ये कुछ उसी की सेम एज के बराबर लगता है मुझे, तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो ये 8 नंबर वाली मादी के नीचे मैं इसको बच्चे को रखता हूँ क्योंकि इसमें एक ही बच्चा है, और देखते हैं इसको वो फीड करवाती है। तो मैं चेक करता हूँ कि इसका पोटा जो है ऑलरेडी इतना भरा हुआ है, तो अब बाद में इसको फीड करवाती है नहीं। अगर नहीं कराएगी तो मैं उस बच्चे को दोबारा उस मटकी में रख दूँगा। तो अभी मैं इसको रखता हूँ, और अगर फीड करवाती है तो वेल एंड गुड, और नहीं करवाएगी तो दोबारा मैं इसको मादी के नीचे रख दूँगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप शिफ्ट करें बच्चों को, तो उस मादी को जब तक वो मादी मटकी में नहीं होनी चाहिए जब आप बच्चों को शिफ्ट करें, तो जब मादी बाहर आ जाए तभी आप बच्चों को शिफ्ट करना है। तो दोस्तों अब जो है देखना ये होता है कि जब आपने बच्चे शिफ्ट कर दिए और उसके बाद तक आपको फोकस करना होगा कि ये मादी जो है बच्चों को फीड करवा रही है या नहीं। अगर करवा रही है फीमेल मादी बच्चों को फीड करवा रही है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को पाल लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि बच्चे जो सेम एज के हैं तो इसी वजह से वो बच्चों को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि बच्चों की एज सेम हो और पर ना निकले हो तो ज़्यादा अच्छा है। होता यह है दोस्तों कि फीमेल फ्री हो जाती है, अगर एक बच्चा है और आपने एक बच्चे को उसके दूसरी मादी को दे दिया जिसके 2-3 बच्चे थे, तो वो फीमेल फ्री हो गई और वो दूसरे क्लच पर फौरन आ जाएगी, तो दूसरी बार वो दोबारा अंडे जल्दी दे देगी। और एक ही बच्चे की वजह से वो पूरा टाइम स्पेंड करती मटकी के अंदर, पूरा टाइम उसको जो 4 बच्चों को पाल के निकालना था वही टाइम वो एक बच्चे में गुजारेगी। उसको जब तक वो 35 दिन 40 दिन तक जब वो बाहर नहीं आ जाता तब तक वो मटकी के अंदर ही रहती, बच्चे को पूरा बड़ा करके ही और दूसरे क्लच पर आती। तो ये चीज़ दोस्तों ब्रीड का थोड़ा सा नुकसान हो जाता है और क्लच लेट हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस तरह से आप अपने शिफ्टिंग बच्चों की कर लिया करें, उससे ये होता है कि जल्दी जल्दी आपको ब्रीड मिलती रहेगी, क्लच मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो पर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।